इसको हटाते ही बहुत प्यारी सी स्किन आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा लगेगा आपके चेहरे का जितना भी मैल था वो बिल्कुल कट चुका है। आपने इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे गाइस, जिसमें कुछ लिक्विड जैसा अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं और स्किन इतना ज्यादा चमकने लगती है कि हम सब सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसी स्किन भी क्या पाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्ट उसमें दिखाया जाता है उसको हम लोग परचेज करने की, बाय करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे पैसे तो जाया जाते हैं बट रिजल्ट ना गाइस कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो वीडियोस फेक होते हैं। जी हाँ, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपका पैसा जाता है और आपको उसके नतीजे में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बट मैं आज आपके साथ जो 7 डेज चैलेंज लेकर आई हूँ ना, वो ग्लॉसियर स्किन पाने का वो जो राज मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, यकीनन आपको वो वैसी ही स्किन देगा जैसा कि आप चाहते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 डेज चैलेंज शेयर कर रही हूँ जो कि ग्लॉसियर स्किन के लिए है। अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं है, आपके स्किन टोन अनइवन है, मंकी माउथ बना हुआ है, चेहरे पे कहीं पे भी स्पॉट या पैचेस दिखते हैं, तो ये आपके लिए आज कमाल काम करने वाला है। 7 दिन का कंप्लीट ये ट्रीटमेंट आप यूज कीजिए और देखिए फिर कितना कमाल का मैजिकल रिजल्ट मिलता है। तो आई होप कि मेरी फैमिली को आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ये हेल्पफुल वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या मेरी रेमेडी से आपको फायदा मिलता है, तो अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उसी से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ आपके लिए और अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है मुझे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूं। चलिए देखते हैं कि ग्लॉसियर स्किन पाने के लिए आखिर में हमें करना क्या है। तो ग्लॉसियर स्किन चैलेंज को गाइस हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में हम एक मास्क तैयार करेंगे अपनी स्किन के लिए, ठीक है। ये मास्क हम तैयार करने वाले हैं नींबू के छिलकों से। जी हाँ, मेरे पास है ये नींबू के छिलकों का पाउडर और एक्चुअली में ये थोड़ा सा बचा है गाइस, मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करती हूँ। मैं बहुत सारी रेमेडीज में, DIYs में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो ये पाउडर हमारे पास होना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए वरदान है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चाहे तो आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं या फिर आपके घर में नींबू के छिलके हैं तो उनको आप सुखाकर ड्राई फॉर्म में पाउडर बना लीजिए, उसको स्टोर करके रख लीजिए, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। विटामिन सी से भरपूर होते हैं नींबू, हम सब जानते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा विटामिन सी इनके छिलकों में मौजूद होता है। असल में गाइस ये हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन, झाइयां, मिलाज्मा, दाग धब्बे, अनइवन स्किन टोन या फिर कहीं पे भी ब्लैक भूरे पैचेस हैं आपको, तो उनको रिड्यूस करता है, वहां से हटाता है, नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है ये और अनइवन स्किन टोन को भी इवन करता है, यानी रंग को भी फेयर करने का काम करता है और हमारी स्किन को ये यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है, तो है ना मैजिकल। तो ये पाउडर हमारे पास जरूर होना चाहिए, इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ नींबू के छिलकों का पाउडर और सेकेंड यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। इस घर में जो भी आपके चावल मौजूद हैं आप उनको अच्छे से साफ कर लीजिए और उनका फाइन पाउडर बनाकर स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 चम्मच ही आपको इसमें ऐड करना है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, ठीक है। 1 चम्मच मैंने चावल का आटा इसमें ऐड कर लिया। अब यहाँ पे 3rd इंग्रेडिएंट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्टिक एसिड से भरपूर कर्ड यानी दही। हमेशा बोलती हूँ कि दही खट्टा होना चाहिए, वजह ये है कि खट्टे दही के अंदर विटामिन सी इतना ज़्यादा मौजूद होता है कि आप जब उसको अपने चेहरे पे लगाते हैं तो ये आपके दाग को रिमूव करता है, वहाँ से हटाता है, एक इरेजर की तरह काम करता है और आपकी स्किन को रिंकल्स फ्री बनाने का काम करता है। साथ ही साथ आपके चेहरे पे चमक बहुत अच्छी आती है, ग्लो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेस्ट को ना हम दही से ही तैयार करेंगे, तो आप उतना दही ले लेना इसमें जितना कि आपका इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 चम्मच इसमें दही की ऐड कर रही हूँ। इसको आप ऐसा पेस्ट बना लेना, ठीक है। ये देखो इस तरह का पेस्ट आपका बन जाएगा। इस पेस्ट को आप 2 दिनों तक स्टोर करके भी फ्रिज में रख लीजिए, अगर आपको रोज़ रोज़ नहीं बनाना है, झंझट लगती है तो आप 2 दिनों के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख लेना इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये आप वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन दिखती है या फिर दाग नज़र आते हैं। आपको लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, थिक पेस्ट आपको अप्लाई करना है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। इस तरह से मैंने लगा लिया है
और लगाने के बाद इसको आराम से आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आपको इसको लगा के बैठना नहीं है, ठीक है, आप लगा लो, अपना काम करती रहो, 20 मिनट का इंतज़ार कर लो, या फिर आधे घंटे के लिए भी आप इसको लगा सकती हो। जितनी देर ये लगा रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट और उतना अच्छा असर आपको दिखेगा, ठीक है। तो लगा के छोड़ना है कम से कम 20 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो इसको मैं पहले ड्राई करूँगी और आगे का स्टेप आपको फिर बताती। तो 20 मिनट पूरे हो चुके हैं गाइस, 20 मिनट के लिए मैंने इसको लगा के छोड़ दिया था। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको एक चम्मच दही अपने हाथों के ऊपर ले लेना है, ठीक है, और इस दही को अपने इसी पैक के ऊपर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने एक चम्मच दही लेकर अपनी स्किन के ऊपर लगाया और इससे आपको हल्के हाथों से बिल्कुल अपनी स्किन के ऊपर रबिंग करनी है। सर्कुलर मोशन में ये काम करना है आपको, धीरे 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 अपनी स्किन के ऊपर कीजिए, जैसे आप स्क्रब का इस्तेमाल करते हो ना, अपनी स्किन के ऊपर स्क्रब करते हो ना, उसी तरह से सेम करना है, बट आपको रगड़ना नहीं है। जहाँ पे आपके दाग हैं उस जगह पे आप कीजिए, क्योंकि मंकी माउथ बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से आप कीजिए कम से कम 10-20 टाइम्स, ठीक है। ये आपको करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद आप इसको हटा लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसको हटा के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसको हटाते ही बहुत प्यारी सी स्किन आपको दिखाई पड़ेगी, ऐसा लगेगा आपके चेहरे का जितना भी मैल था वो बिल्कुल कट चुका है और आपके चेहरे पे चमक आ गई है। तो ठंडे पानी से जल्दी से मैं वॉश करके आती हूँ और फिर हम करते हैं अपना सेकेंड स्टेप। मास्क को वॉश करते ही आपको ना अपनी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट दिखेगी गाइस, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आएगी और आपको अपनी स्किन के ऊपर चमक दिखाई देगी जब आप ये पहला स्टेप ही फॉलो करते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, आप मार्केट वाला ले सकते हो या फिर अगर आपके घर में ओरिजिनल है मतलब पेड़ लगा हुआ है तो आप उसका भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं मार्केट वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इतना ले लीजिए जितना कि आपकी स्किन के लिए इनफ हो, और इसमें आपको क्या करना है, एक विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल आपको मिक्स कर देना है। यकीनन इतना मैजिकल सिरम है गाइस। अब आपको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, पाम के ऊपर ही इस सिरम को आप बना लीजिए। अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकती हो, या फिर अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसमें ऐड करो फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस की, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, 3-4 बूंदें काफ़ी हैं लेमन जूस की। आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करो और अपने चेहरे पर इस सिरम को एक लेयर की तरह लगा लो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज है, उस पे आपको अपने उस जगह पे आपको इसको लगा लेना है। तो हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में जब आप मसाज करोगी गाइस, तो ये सिरम आप स्किन के अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाने वाला है, और इस सिरम को आपको लगाकर छोड़ना है ओवरनाइट। ये ओवरनाइट आपके स्किन के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। सारी रात आपकी स्किन के ऊपर जब ये लगा रहता है तो ये अपने मैजिकल रिजल्ट छोड़ना शुरू कर देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल, हाइड्रेट, और इसके अलावा जो ग्लॉस जैसी शाइन आप अपनी स्किन के ऊपर चाहते हो ना, वो आपकी स्किन के ऊपर लेकर आता है, एक कोटिंग की तरह काम करता है, और ये आपकी स्किन को यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ओवरनाइट इसको लगाकर आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा गाइस, और मॉर्निंग में जब आप उठोगी तो आपकी स्किन के ऊपर इतना हेल्दी ग्लो नज़र आएगा, आप एक बार में ही फर्क महसूस करोगी जब सुबह उठोगी, ठीक है। सुबह उठने के बाद हल्के गुनगुने पानी से या फिर कोई माइल्ड फेस वॉश से आप अपनी स्किन को क्लीन कर लेना। 7 डेज चैलेंज है, 7 दिनों तक इस्तेमाल कीजिए। जो ग्लॉस, जो ल्यूमिनस, जो शाइन आपको अपने चेहरे पे मिलेगी, जो अनइवन स्किन टोन था वो आपका कहीं भागता हुआ नजर आएगा, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, और गाइज आपको ऐसी स्किन मिल जाएगी जो कि आप चाहते हो। तो हमेशा ही अगर आप अपनी खूबसूरती को कायम रखना चाहती हैं या फिर आप चाहती हो कि आपके चेहरे पर रिंकल्स ना आए, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए गाइस, फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी खर्च नहीं होता है, और आपको घर बैठे खूबसूरत सी चीज़ें, नायाब सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आई होप कि आज मैं सब कुछ समझाने में आपको कामयाब रही होंगी, मेरी फैमिली को समझ में आ गया होगा कि हमेशा ही हमें नेचुरल चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए। अगर आपकी एज 15 अबव है तो आप इस
चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हो, 7 days ट्राई कीजिए, नतीजे अगर अच्छे लगे तो आप इसको आगे भी कर सकते हो, 8 days करने लगना, 7 days आपको कंटिन्यू करना है। और मॉर्निंग में हल्के गुनगुने पानी से अपने स्किन को क्लीन कर लेना, फेस वॉश लगा लेना, बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना कतई नहीं भूलना है, और हाँ पानी का इंटेक आपको बढ़ा देना है, पानी ज़्यादा पीना है, हरी सब्जियाँ खानी है, फ्रूट्स लेने हैं, सैलड लेनी है, यकीनन ये सारी चीज़ें ना जब मिलकर काम करेंगी ना तो आपकी स्किन चेंज होती चली जाएगी, आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और ग्लॉसियर स्किन जो आप पाना चाहते हो ना वो स्किन आप अचीव कर सकते हो घर बैठे। तो आई होप कि ये मेरी फैमिली को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए, ऑल पे कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्यूटी टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।